second stanza. So keeping quiet. Stanza 2. और इस बार जो स्टेंजा है वो क्या कहता है देखें, वो कहता है इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस. ठीक है, तो इतना है, इसको देखते हैं. एग्जॉटिक होता है बिल्कुल अनयूजुअल, एकदम अलग, डिफरेंट. ठीक है, विलक्षण जिसे कह सकते हैं, या फिर आपको मोह लेने वाला एंटाइसिंग भी कहते हैं. एंटाइसिंग, विलक्षण या मोहक. मोमेंट पता है, रश मीन हरी होता है, इंजन्स पता ही है. इंजन यहां डिस्क्राइब किया गया डिवाइसेस या मशीन्स के लिए. सडन पता है, स्ट्रेंजनेस पता है. ठीक है, अब वो क्या कहता है, अगर हम सीधे सीधे देखें तो इस चार लाइन का मतलब सिर्फ ये होगा कि एक बड़ा मोहक क्षण होगा. ठीक है, विदाउट रश, जिसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, कोई इंजन का शोर नहीं होगा, हम सब एक साथ होंगे और एक अलग से अनुभव को फील करेंगे, बस ये हो गया. लेकिन अब इसके गहरे अर्थ को समझें कि ये कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, तो अब अभी तक आपने देखा कि उसने कहा था कि एक पल के लिए हम लोग अपने बारे में सोचें और सब शांत हो जाए. अब वो आगे बताता है कि उससे क्या होगा. ठीक है, तो सबसे मेन चीज ये जो है इसमें वो ये कहता है कि ये बहुत ही, जब हम ऐसा कर पाएंगे, पिछले वाली लाइन शुरू कर रहा हूं, जब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और सब कुछ पल के लिए मोशनलेस हो जाएंगे, कम से कम कोई भी भाषा में बात नहीं करेंगे जिससे हमारे दिमाग में कोई और चीजें नहीं आएंगी, अपने बारे में सोच पाएंगे और बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगे और फोकस्ड रहेंगे. ठीक है, और मूवमेंट का मतलब मैंने यहां बताया था कि हम किसी को मारेंगे नहीं उस पल, किसी को खत्म नहीं करेंगे, किसी के लिए डिस्ट्रॉय करने की नहीं सोचेंगे. सब जब हम ये नहीं करेंगे, तब तुम ये सोचो कि वो सारी बुराइयां, वो सारी खराब चीजें जो हम करते आए हैं, अगर वो ना करें एक पल के लिए, तो क्या ये अपने आप में एक बहुत ही एग्जॉटिक मोमेंट नहीं होगा? व्हेन देयर वुड बी नथिंग हार्मिंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड. ठीक है, when there will be nobody who will utter a single, you can say, cruel word or single rudeness, single word that can hurt anybody in the world. When there would be nobody thinking about destroying others. When there would be nobody thinking about harming others. तो ऐसा moment अपने आप में एक heavenly या divine moment नहीं होगा तुम्हारे हिसाब से? बताओ. होगा सर. ठीक है, सो ये वो कहता है कि इट वुड बी ए रादर डिवाइन मोमेंट व्हेन नथिंग विल हार्म एनीथिंग. ठीक है, विदाउट रश विदाउट इंजन. अब जब सारे लोग रुक गए हैं, सारे लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ना कुछ जो है एक्टिविटी कर रहे हैं जिसपे वो इन्वॉल्व हैं, तो सारी मैकेनिकल चीजें, सारी हड़बड़ाहट, इधर उधर भागना, लोगों का डिस्टर्ब लाइफ, और एक दूसरे के में को न के बारे में न सोच के हमेशा जल्दीबाजी में होना, रेलों का शोर, मशीनों का शोर, कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो वो कहना चाहता है देयर वुड बी नो केओस एंड
नॉइज ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई उन पे जा ही नहीं रहा होगा, उस समय सब शांत हैं, ना कोई उन्हें ड्राइव कर रहा है, ना कोई जा रहा है, सब एक पल के लिए ठहर सा गया। इट इज ए स्टैच्यू लाइक मोमेंट, ठीक है, और कोई नॉइज नहीं है, कोई मैकेनिकल डिवाइस चल नहीं रही है, किसी का शोरगुल नहीं है। तो ऐसे में तुम सब जानते हो कि हम एक रीजनिंग में क्वेश्चन करते हैं कि कुछ लोग कुछ जो है टी पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉफी, और कुछ लोग दोनों चीजें पसंद करते हैं। तो दोनों चीजों वाला सर्कल कौन सा होता है? ये बोलो, होता है कि नहीं? कॉमन, ठीक यस है। तो कहता है कि जब ऐसा होगा तो इस पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग यू एंड अदर, देयर वुड बी वन थिंग इन कॉमन। सारी दुनिया में एक चीज कॉमन हो जाएगी, और वो कॉमन ये होगा कि हम सब लोग एक से मोमेंट से होके गुजरेंगे। एक पल के लिए ही सही, ईश्वर की बनाई हुई मानव कृति जो है वो हमेशा के लिए रियल ह्यूमन हो जाएगी, क्योंकि वो सब बिल्कुल एक से मोमेंट से गुजरे होंगे, सब एक सा सोच रहे होंगे अपने बारे में, सब एक सी जो है हरकतों में शामिल होंगे। तो एक तरीके से जो यूनिटी है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे कुछ हो, वो हमेशा के लिए एक धागे में पिरो दिए जाएंगे। और शायद इससे बड़ा डिवाइन मोमेंट क्या होगा, जब सारे लोग, जितने जिंदा लोग हैं इस पृथ्वी पे, वो सब एक सूत्र से बच जाएं कुछ पलों के लिए, और सब में ना कोई फीलिंग ऑफ एनिमिटी रहे, ना किसी के बारे में कोई सोच रहे, ना किसी के बारे में कोई गलत एक्शन रहे। तो बताओ इससे बढ़िया क्या डिवाइन मोमेंट होगा? इसीलिए वो कहता है इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ठीक है। सो वी वुड ऑल बी टूगेदर का मतलब एवरीबडी इन द एंटायर, एवरीबडी विल फील अ कॉमन इमोशन एंड विल बी यूनाइटेड थ्रू दिस थ्रेड ऑफ साइलेंस। जस्ट, और ये बड़ी गहरी चीज है, जस्ट एज गॉड क्रिएटेड देम एट फर्स्ट। जब ऐसा होगा तो सारे लोग जब एक ही तरीके के हो जाएंगे, तो बताओ सब लोग ठीक उसी पोजीशन में आ जाएंगे कि नहीं, जब गॉड ने ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया होगा। उसने भी सबको बराबर क्रिएट किया था, उसने भी ये कभी क्रिएट नहीं किया कि दो सब लोग एक दूसरे को मारें, कुछ गलत सोचें। उसने भी हर ओर शांति और बिल्कुल एक भाईचारे का संदेश देने की कोशिश की थी। तो एक थ्रेड होगा कॉमन, जो हर किसी को एक कर देगा, एक सूत्र में पिरो देगा इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सब मिलके उस स्ट्रेंज अजनबी जो मोमेंट होगा उसको पूरा आनंद के साथ उसको इंजॉय करेंगे और उसको फील करेंगे। इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली एट दैट टाइम यू विल इंजॉय दैट बीइंग इन यू, यानी कि अपनी आत्मा से साक्षात्कार तुम्हारा होगा। दैट वुड बी अ मोमेंट व्हेन यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर सोल, योर सेल्फ, योर इंट्रोस्पेक्शन, योर रिट्रोस्पेक्शन वुड बी देयर, एंड देयर वुड बी नथिंग डिस्टर्बिंग यू, एंड यू विल बी यू इन रियल सेंस। तुम अपने एग्जिस्टेंस को उस समय समझ पाओगे, ठीक है। और ये एक ऐसा मोमेंट होगा जो आपके लिए निहायत ही स्ट्रेंज होने के साथ साथ सबसे ज्यादा मेमोरेबल, सबसे ज्यादा आपको ये कह सकते हैं पेनेट्रेटिंग, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके माइंड में। और ये सडन स्ट्रेंजनेस आपको बहुत ही डिवाइन और एस्थेटिक लगेगी, और आप इसको एंजॉय करेंगे। और ये मैं बता दूं कि ऐसा होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो लेट मी बी वेरी क्लियर कि हमने जब विपश्यना का कैंप किया था और 9-10 दिन मौन रहे हर कैंप में, तो
जब हम 8-8 घंटे जब मेडिटेशन में बैठे रहते थे एक हॉल में, तो 1-2 दिन 3 दिन बाद ही वो सिचुएशन आ गई थी कि फिर हमें यही पता नहीं चलता था कि हम बैठे हैं इतने घंटे। और फिर ऐसा वक्त भी आया जब हमें ये लगने लगा कि वी आर नथिंग, जस्ट ए कलेक्शन ऑफ मैनी एटम्स क्रॉसिंग हियर एंड देयर। हमें लगता था कोई हमारी बॉडी से आर पार हो जाएगा और एटम्स हैं, कुछ है ही नहीं, ना फेस फील होता था, ना हाथ ना पैर, और लगता था हम एक पुंज बन गए हैं एटम्स का। तो ये भी एक गजब का एहसास होता है और वो कभी आप बोल नहीं सकते। ये होता है एक सडन स्ट्रेंज जो फीलिंग है उस समय जब आप अपने से खुद में होते हो एंड नथिंग देयर। सो इट वुड बी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस एंड यू विल लव टू रेलिश इट। ठीक है, समझ गए बात को? दैट सडन जी फीलिंग ऑफ बीइंग विद योर रियल सेल्फ या सोल विल मेक दैट मोमेंट डिवाइन। ये भी हो गया दूसरा। आई होप कि इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं लगा होगा जो आप नहीं समझ सकते। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। दो पैर एक साथ ले लेता हूं स्ट्रेंजा, ठीक है, क्योंकि 4 लाइन कम हो जा रही है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। अब इनमें है फिशरमैन, पता है तुम्हारा मछुआरा, कोल्ड सी तुम्हें पता है, कोल्ड सी को बता देता हूँ। स्टेंजा 3 पहले हेडिंग डाल ले। कोल्ड सी जो समुद्र ठंडा होता है पोल्स के ध्रुवों के समीप, ठीक है, सी नियर द पोल्स। हाँ पता ही है, वेल्स पता ही है, गैदरिंग पता है, हर्ट पता है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ठीक है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर इन द शेड डूइंग नथिंग। और इससे पहले भी कुछ था क्या? हाँ, 2 लाइन और थी। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स क्या है? ग्रीन वॉर्स है वॉर्स अगेंस्ट एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट को खत्म कर रहे हैं। और वॉर्स विद गैस का मतलब है जब आप कहते हैं कि बॉम्ब जो होते हैं ना, बॉम्ब नहीं, पॉइजनस गैस जो हम बायो गैस इस्तेमाल करते हैं वॉर्स में, वॉर्स विद अच्छा गैस, पॉइजनस गैसेस यूज्ड इन वॉर्स। तुम्हें पता होगा मार्स गैस और पता नहीं क्या क्या गैस होती है जो आदमी को वहीं खत्म कर देती है। और उसके अलावा वॉर्स विद फायर का मतलब है फायर आर्म्स, जैसे बॉम्ब हो गया और गन शॉट्स हो गई और जो शेल्स होते हैं बड़े बड़े, वो ये सारी चीजें वॉर्स विद फायर। यूज ऑफ फायर आर्म्स। ये दो एक साथ कर लेते हैं, फिर हमारे पास पांचवा
और छठा दो बचेंगे बस। अब वो कहता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। अब पीछे के बैकग्राउंड को ध्यान रखना जो हो चुका है अभी तक, उसके आगे अब ये फ्लुएंसी में आगे बढ़ेगी पोएम। तो कहता है कि जो पोल्स के समीप, नॉर्थ पोल और ये जो है ध्रुव जो होते हैं दोनों ओर के, उनके समीप हमेशा समुद्र ठंडा होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए ओड टू द वेस्ट, नहीं सॉरी, वो है कॉलरिज की एक पोयम है, एंशिएंट राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो आपको याद होगा जब वो पोल्स के समीप उसका जहाज चला जाता है तो बर्फ में फंस के रह जाता है, ठीक है, आइस के टुकड़े तैर रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स पानी में, क्योंकि वो ठंडा समुद्र होता है। और वो एक लाइन फेमस है, वॉटर वॉटर एवरीवेयर, नॉट ए नॉर ए ड्रॉप टू ड्रिंक, नॉर ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, याद आ रहा यस सर, यस सर, यस यस ठीक सर, है। तो पोल्स के यस। समीप हमेशा ठंडा समुद्र होता है। अब उस समय क्या होगा जब कोई सब इनएक्टिव होंगे, तो अब वो थोड़ा माइक्रो एनालिसिस में जा रहा है कि आखिर इनएक्टिव होंगे तो क्या क्या चीजें दुनिया में जो होती हैं वो नहीं होंगी, कुछ ऐसी चीजें जहां तक हमारा ध्यान में नहीं जाता। तो वो पोल्स में, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो कि सबसे एंड है दुनिया का, उनमें मछुआरे वेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दे विल नॉट कैच वेल्स, दे विल नॉट किल वेल्स फॉर देयर प्लेजर और फॉर ईटिंग देम, फॉर कंज्यूमिंग देम। अब आप सब, ज्यादातर लोग इतना ही समझ के से छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अंदर देखो पोएट्री को समझना। देखो पोइट ने सिंबॉलिकली नॉर्थ पोल के सी और साउथ पोल के सी क्यों लिए, इसलिए लिए क्योंकि वो अपनी बात को गहराई से आपके सामने एम्फेसाइज करके पेश करना चाहता है कि और जगह तो जहां होता है वो छोड़ ही दो, यहां तक कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे रिमोट जगहों पे भी फिश को हार्म नहीं किया जाएगा। यानी इतनी शांति छा जाएगी कि इस छोर से पृथ्वी के अंतिम छोर तक एकदम शांति होगी, कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं होगी जो किसी को हार्म करेगी। तो इसको इंटेंसिफाई करने के लिए वो नॉर्थ पोल सी और साउथ पोल सी लेता है, नहीं तो खाली सी भी तो कह सकता था, समुद्र में भी तो व्हेल मछलियां होती है कि नहीं, यस सर, यस सर, लेकिन वो एक छोर से दूसरे छोर तक की बात को इंटेंसिफाई करने के लिए कहना चाहता है, जो आमतौर पे वो रीडर नहीं समझ पाता जिसकी पोएटिक एटीट्यूड कमजोर है या वो पोएटिक कॉम्प्रिहेंशन कम है। तो ये बड़ा गहरा इसके अंदर फैक्ट है। बोलो क्लियर हुआ क्या कह रहा हूं मैं? यस सर, ठीक यस है, सर, तो यहां पर कहेंगे फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स इवन इन पोलर रीजन्स। दिस इंटेंसिफाइज द पोएट्स रिमार्क दैट द साइलेंस वुड बी सो वाइड स्प्रेड दैट इट वुड कवर द एंटायर अर्थ फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ठीक है, उसके बाद एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। ये लाइन तो गजब की है, ठीक है। और वो कहता है कि पहली बार एक आदमी
जो समुद्र के किनारे नमक बनाता है और नमक इकट्ठा करता है, अपने नमक से फटे और चीरे लगे हाथों को, घायल हाथों को पहली बार जब वो इनएक्टिव हो जाएगा तो उसको उसको निहारने और देखने का मौका मिलेगा। मतलब ये और भी गहरा इमोशन है, मतलब आदमी इतना मैकेनिकल हो चुका है, आदमी अपने पेट के खातिर या आदमी अपने लिए काम करते करते इतना मैकेनिकल हो चुका है कि उसको इतना वक्त नहीं है कि वो अपने फटे हाथों को भी एक बार निहार ले जो नमक से फट चुके हैं, या उसके लिए भी कुछ कर सके। वो बस सुबह से शाम तक काम करता जाता है, खाता है, सो जाता है, फिर सुबह से शाम तक काम करता है, और उस बेचारे के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने हाथ भी देख ले। तो आज वो वक्त उसे नसीब हो जाएगा, व्हेन ही वुड बी एबल टू लुक एट हिज हैंड्स फर्स्ट टाइम एंड रियलाइज दैट व्हाट ही इज डूइंग एंड फॉर हाउ लॉन्ग ही हैज बीन एंगेज्ड इन सच मैकेनिकल एंड रोबोटिक एक्टिविटी विदाउट इवन गिविंग ए सेकेंड थॉट टू हिज लाइफ एंड सेकेंड थॉट टू हिज पर्सनल रिट्रोस्पेक्शन और पर्सनल फीलिंग्स। बोलो, समझ पा रहे हो क्या है? सो ये कहेंगे, द मैन हु कलेक्ट सॉल्ट वुड बी ऑब्जर्विंग हिज हैंड फर्स्ट टाइम विच आर सीवियरली कट फ्रॉम वेरियस प्लेसेस ऑन अकाउंट ऑफ हिज मैकेनिकल रूटीन ऑफ जॉब सिंस मैनी ईयर्स। बोलो क्लियर? यस सर। अब आते हैं उससे आगे की लाइन में। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और क्या क्या होगा? दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। अब वो कहता दूसरी चीज क्या होगी, जो लोग पूरी दुनिया में क्या करते हैं, एनवायरमेंट और पर्यावरण जो है हमारा उसको ही नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे सीधे सीधे पहुंचाते हो चाहे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। डायरेक्टली क्या होता है कि आप सीधे पेड़ काट रहे हैं जो आपको दिख रहे हैं। इनडायरेक्टली क्या होता है, पॉल्यूटेड केमिकल जा रहा है खेतों में, ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है, या आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे एनवायरमेंट खराब हो रहा है, आपके पॉलिथीन और ये सारी चीजें ये सब बेसिकली डिग्रेड कर रही हैं। तो ये सारी चीजें वो इनडायरेक्ट जो है वॉर है अगेंस्ट द एनवायरमेंट। तो एक वो चीज है जो कुछ देर के लिए रुक जाए। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए। अकाउंट ऑफ हिज मैकेनिकल के बाद की लाइन समझ, लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रही इसमें। मैकेनिकल, अरे मैकेनिकल स्पेलिंग गलत हो गई, रूटीन, आर ओ यू टी आई एन ई। यस सर, थैंक यू सर। इसके बाद तो वो कहता है कि एक तो आपका वो पर्यावरण के खिलाफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन या डिस्ट्रॉय जो कर रहे हैं वो रुक जाएंगे कुछ देर के लिए, ठीक है। और क्या होगा, वो एक एडवाइस दे रहा है जो युद्ध करते हैं और युद्ध चाहते हैं उन लोगों को। तो कहता है जो लोग इस एनवायरमेंट को खत्म करने पर तुले हैं, जो लोग युद्ध क्षेत्र में पॉइजनस गैसों का, बायो गैसेस का प्रयोग करते हैं
और ना सिर्फ आदमी को मारते हैं बल्कि बाकी क्रिएचर्स इंक्लूडिंग नेचर प्लांट्स एंड एवरीथिंग दे किल देम, ठीक है। और जो लोग सिर्फ कुछ जमीन के टुकड़े के लिए, कुछ क्षेत्र पाने के लिए गन शॉट्स फायर आर्म्स बॉम्ब ब्लास्ट इन सब का जो है बिजनेस बना रखा है और लोगों को फायर आर्म्स के थ्रू, वो लोग इस तरीके से एक बार क्या कहता है वो अपने कामों को रोकते हैं। बिजनेस ऑफ किलिंग पीपल शुड बी स्टॉप। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसे ही मारते गए किसी को, आप सोचो हर एक को, तो कभी इस दुनिया में उनकी जीत देखने वाला, उनकी जीत एंजॉय करने वाला ही कोई नहीं बचेगा। तो उनको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, उनको अपने आप को रोकना है, और वो रुक जाएंगे इस पल। और वो कहता है इस पल जब रुक जाओ आप, सब चीज इनएक्टिव हो जाए, सब शांत हो जाए, सब लोग रुक जाएं, सिर्फ अपने बारे में सोचें, सिर्फ रेट्रोस्पेक्शन करें, और सारी एक्टिविटी रुक जाए, आपने अपनी आर्म्स तक नहीं हिलानी है, तो ऐसे लोग जो मौत के सौदागर हैं, वो लोग उस दिन मैं चाहता हूं कि अपने क्लीन क्लोथ्स को धारण करें। अब यहां पर क्लीन क्लोथ्स फिर से सिंबॉलिकल है, अपनी रियल पवित्र आत्मा को धारण करें जो इस पृथ्वी ने आपको बदल दिया, जो इस पृथ्वी के लालच ने, जो इस फिजिकल वर्ल्ड ने आपको बदल दिया और आपके अंदर डेविलिश चीजें भर दी, आपके अंदर क्रुएलिटी भर दी, आपके अंदर रूडनेस भर दी, आपके अंदर इनह्यूमैनिटी भर दी, वो सब खत्म करके नए स्वच्छ कपड़े पहने, यानी अपनी पवित्र आत्मा को धारण करें, तभी ये कुछ होगा ना। तो ये इनडायरेक्ट चीजें, वो अपने स्वच्छ कपड़े पहने उस दिन, अपनी पवित्र आत्मा को धारण करें एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और दूसरे भाई जो सब भाई हैं जिनको मार रहे हैं, खत्म करने में बिजी हैं, उनके साथ थोड़ा वॉक करें। इसका मतलब है और जो पूरी दुनिया के लोग उस पल शांत बैठे हुए अपने में हैं, उनके साथ खुद में मिल जाएं, उसी धागे में अपने आप को पिरो दें और उन्हीं ब्रदर्स के साथ हो जाएं जो उनके ब्रदर्स हैं, जो इस दुनिया में जीवित बचे हैं, और उन दूसरे भाइयों के साथ क्या करें, ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, वृक्षों की छाव में जो है वो वॉक करें और कुछ ना करें, ठीक है। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में अंडर द सुपर पावर ऑफ गॉड, वो इन लोगों के साथ एक सूत्र में पिरोलें अपने को, और वो भी बिना कुछ किए, इस जो छाया है, जो इतनी छाया का मतलब यहाँ जो ये रिलैक्स मोमेंट है, जो ये जॉयफुल और एस्थेटिक मोमेंट है, इसकी जो है फीलिंग को इंजॉय करें और इसको अपने अंदर फील करने की कोशिश करें इस शांति के माहौल में, ठीक है। तो ये है इसकी बात, तो चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। दोज हू प्रिपेयर से लेके डूइंग नथिंग, तो क्या कहता है वो? वो कहता है देयर इज एन एडवाइस टू द वॉर मॉन्गर्स, दे शुड स्टॉप वॉर्स अगेंस्ट अगेंस्ट एनवायरमेंट एंड ह्यूमैनिटी एंड स्टॉप यूजिंग पॉइजनस गैसेस कॉमा फायर आर्म्स दे शुड वियर
clean clothes which symbolizes their pure soul, which was infected by the earthly desires. They should be united with their brothers with the common thread at this exotic moment of silence and feel the aesthetic pleasure. ये हो गया ये. अब हम चलते हैं अगले. वो और बड़ा स्टेंजा है, ठीक है, सेकंड लास्ट है मेरे ख्याल से. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. एक आएगा सम phrasal verb जिसका है truck with. उसका मतलब होता है किसी चीज से associate हो जाना, associate with, relate हो जाना, संबंधित हो जाना. और सिंगल माइंडेड पता है, और ह्यूज पता है, इंटरप्ट पता है, थ्रेटनिंग पता है, तो और कुछ ऐसा नहीं है. तो व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, ठीक है. अब वो कहता है कि हमारे पाठक लोग जो इस पोयम को पढ़ रहे हो, जिनके लिए मैं मैसेज लिख रहा हूं, ठीक है, वो कहीं ये ना समझे कि मैं उनसे कह रहा हूं कि भैया दुनिया में निष्क्रिय बन जाओ, आप कुछ काम ही मत करो और चुपचाप हो जाओ, ठीक है. तो माय अर्ज फॉर दैट साइलेंस शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड और कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी. पता चला कि हम में से कोई था जिसने कहा, अरे पैब्लो नेरुदा को फॉलो कर रहा हूं. पापा ने कहा, बेटा सुबह उठो पढ़ो. पापा आई एम फॉलोइंग पैब्लो नेरुदा, कीपिंग साइलेंस इन द रजाई. ऐसा तो नहीं करोगे, क्योंकि भाई पैब्लो नेरुदा ने कहा है, इतने बड़े पोएट ने. तो वो कहता है यही मत करना, मेरी चीज को मिसअंडरस्टूड मत करना कि कहीं हम टोटल इनएक्टिव हो जाए. ये नहीं मैं कह रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि डूइंग नथिंग डजंट लीड टू टोटल इनएक्टिविटी, ठीक है. वो कहता है टोटल इनएक्टिविटी अगर तुम कर लोगे, ठीक है, तब तो समझ लो क्या है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. तो कहता अगर तुम टोटल इनएक्टिविटी कर लो तो एक चीज होगी, क्योंकि जीवन में, जीवन है क्या, जीवन एक्चुअली एक्टिविटी के लिए ही है. लेकिन क्या कहता, अगर तुम इनएक्टिविटी करते हो तो फिर क्या होगा, वो आगे बताएगा. जीवन एक्चुअली एक्टिविटी के लिए है. और फिर वो कहता है कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. आई वांट नो ट्रक विद डेथ इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड. और अब मैं नहीं चाहता, मेरा मतलब क्या है कि अब मैं नहीं चाहता कि किसी की बॉडी या किसी की डेथ से भरे ट्रक, जो बॉडी से भरे ट्रक यहां से वहां जाएं.
यानी मौत को जो बुलाए ऐसी एक्टिविटी बंद कर दो, ठीक है। और मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि टोटल इनएक्टिव हो जाओ, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें वो कह रहा है इट शुड नॉट फोकस ऑन ओनली वन थिंग, ठीक है, कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग। मेरा ये मतलब था कि तुम हमेशा, इनएक्टिव का मतलब ये है कि एक ही चीज को इतना इतना मत करो, इतना मैकेनिकली मत करो कि वो किसी दूसरी चीज पे ध्यान केंद्रित ही ना कर पाए। अब जिस्ट आ रही है देखो पूरी पोएम की, इनएक्टिविटी का मतलब यह है कि ऐसी हर एक एक्टिविटी, अब देखो सबसे गहरी चीज आ रही है, जो आपके आपको आपके बारे में ही भुला दे, उसको जरा छोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। जो आपको आपके ही सेल्फ के साथ न जुड़ने दे, उसे छोड़ने की कोशिश करो। और अगर गहराई से देखें तो दुनिया में हर आदमी ऐसी इनएक्टिविटी में बिजी है जो उसके सेल्फ को, उसके रियल सोल को भुला चुका है। आतंकवादी लोगों को मारने में बिजी है, इतने बिजी है कि वो अपने बारे में ही नहीं सोचते कभी कि वो क्या है, ठीक है। जो कूटनीतिज्ञ है वो एक दूसरे देशों को हड़पने के बारे में इतना बिजी है कि वो, उनको पता ही नहीं कि वो क्या है, ठीक है। बच्चे इंटरनेट और इसमें इतने बिजी हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए। बड़े इतना बिजी हैं अपनी जद्दोजहद में और फिजिकल साजो सामान जुटाने में अपनी लाइफ के लिए कि उन्हें यही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। और इसके साथ अगर मैं जोड़ू तो वो मुझे ज्यापोल सात्र भी जुड़ता दिखाई देता है व्हेन ही सेज दैट एग्जिस्टेंशियलिज्म, पीपल आर ट्राइंग टू एक्चुअली स्टेब्लिश देयर एग्जिस्टेंस एंड विच इज एक्चुअली देयर नो विच इज एक्चुअली नो एग्जिस्टेंस ऑफ देयर्स। तो दोनों कितनी बढ़िया तरीके से जुड़ रही हैं कि लोग अपना एग्जिस्टेंस बनाने में इतने पागल हो गए हैं कि खुद को भूल गए, और जिस एग्जिस्टेंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, समझ गए। तो कहता है कि जो इनएक्टिविटी मैं कह रहा था, कहीं तुम ये ना सोचो कि कुछ नहीं करना है, बल्कि कुछ ऐसा जो तुम कर रहे हो कि तुम्हारे बारे में सोचने का मौका ही नहीं दे रहा, उसे रोकना है, समझ रहे हो, उसे रोकना है जो तुम्हें तुम्हारी सोल से नहीं जुड़ने दे रहा। अब तुम्हारे बारे में सोचने का मौका ये नहीं कि मेरे को भूख लगी, मुझे लड्डू खाना है, मुझे अपने लिए पैसे जमा करना है, मुझे घर बनाना है, नो, बट विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिंग यू फ्रॉम कनेक्टिंग विद योर सोल, अपनी आत्मा, अपने मन से, अपने चीजों से जुड़ने से जो रोकता है, अपनी रियल सेल्फ से, ठीक है। और अगर तुम्हें ये अगर प्रूव करना है कि मैं अपने रियल सेल्फ में हूं या नहीं हूं, चलो मैं इसका एक यार्ड स्टिक बताता हूं, एक लिटमस टेस्ट। वो ये है कि आप एक पल के लिए आज ये सोचना कि मैं ठीक 10 साल या 12 साल पहले या 15 साल पहले कैसा होता था और मेरी सोच क्या होती थी, और मैं अपने लिए अपने सोल से ज्यादा कनेक्टेड था या अब ज्यादा कनेक्टेड हूं, ठीक है। तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तुम सबको पता है कि तुम अपने सोल से अब बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो, ठीक यस है। सर, और आज से 15 साल पहले तुम ज्यादा कनेक्ट थे, और आज से 15-20 साल पहले तुम अपनी सोल से के बारे में और अपने बारे में कुछ देर बैठ के सोचा भी करते थे। अगर यस आपको सर, याद हो तो कुछ देर, यस कभी सर, कभी 15-20 मिनट आप कभी सोते हुए, कभी बैठते, कभी ऐसे ही बैठे बैठे अपने बारे में जरूर सोचा करते थे। और उसी सोचने ने आपको कई टैलेंट भी दिए होंगे, कई चीजों में आप उसकी वजह से आगे भी बढ़े होंगे, क्योंकि आपने उस समय अपने सेल्फ को रियलाइज किया था। अब आप इतने ज्यादा और चीजों में हो चुके हैं कि अब आपको अपने सोल से कनेक्ट होने का टाइम नहीं मिलता, तो आपकी कई चीजें आपसे दूर होती चले गई, बहुत अच्छी, ठीक है। तो समझ रहे हैं इस पोयम की गहराई को, यस ठीक है। सर, तो कहता है कि अब आगे कहता है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। अगर हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाने की ओर केवल अपना ध्यान केंद्रित न करके, ठीक है, एक बार
कुछ देर के लिए कुछ भी ना करे और सोल से कनेक्ट हो, तो शायद एक लंबी जो साइलेंस है, जो आपको अपने आप को कभी समझ ना समझ पाने की वजह से जो असफलता मिली है या उदासी मिली है, उस साइलेंस को थोड़ी देर के लिए, वो साइलेंस आपको वहां तक ले जाएगी, ठीक है। तो हमें कहता है वी शुड लर्न टू गिव अस रेस्ट, हमें अपने को कुछ रेस्ट देना सीखना चाहिए। फॉर वंस डूइंग नथिंग कैन बी गुड फॉर अस, कभी कभी कुछ ना करना भी अपने लिए अच्छा होता है, ठीक है। और जब हम सैड हो जाते हैं, हम इसलिए सैड होते हैं क्योंकि हम अपने आप को समझ पाने में फेल हो गए हैं, और जब हम अपने आप को समझ पाने में फेल हो जाते हैं, या फिर जब हम मौत की ओर बढ़ रहे होते हैं, या हमको मौत से डर लग रहा होता है, मौत के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है, तब हम फेल हो रहे होते हैं। जब हम अपनी मौत के बारे में सोचते, मृत्यु के बारे में सोचते हैं, जब हम ये नहीं सोचते कि हम जो है जो करने को निकले थे, हम क्या होते हैं उसको समझ पाने में, रियल तरीके समझ पाने में ही फेल हो जाते हैं, तो क्या होता है, तब हम दुखी होते हैं। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने को नहीं समझ पाए, ठीक है, हम अपने को किसी इनसिक्योरिटी या डर से बांधे बैठे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। और तब ऐसे मोमेंट में एक लंबा साइलेंस हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। दोनों चीजों में बड़ा गहरा अर्थ है, क्या कि हम अपने को क्या है, जब हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, ठीक है, वो किस लिए होते हैं, हम सैड क्यों होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को समझने में फेल हो गए हैं। एकदम क्लियर कट बात है, अगर आप डिसअपॉइंटेड हो इसलिए हो कि आप अपने को समझने में फेल हो गए हो, ऑलराइट। तो जब कभी भी अब आप अपने पावर्स को रियलाइज करते और अपने को सही तरीके से रियलाइज करते, तो आप कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होते, आप सैड नहीं होते। आप देख लो कि आप सैड क्यों हो, ज्यादातर लोग दुखी क्यों हैं, क्योंकि वो इस समझने में फेल हो गए हैं कि जिस चीज की मैं इच्छा कर रहा हूं, मेरी जो है वो मेरी पहुंच के बाहर है या पहुंच के अंदर है, ठीक है, क्या ये उसका सही वक्त है, ठीक है, या क्या मेरे पास सही साधन है, या कहीं मैं अपने आप को ऐसे तो नहीं झोंक रहा हूं कि जिस चीज के लिए मैं जा रहा हूं वो चीज मेरी पहुंच से बाहर है लेकिन फिर भी मैं उसे चाहता हूं। तो वो सैड होगा, डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा। वो जानता है कि मैं ये नहीं कर सकता, फिर भी वो ये कर रहा है। वो जानता है मैं लोन की किस्त चुकाने में बड़ा दुखी होऊंगा आगे, लेकिन फिर भी वो लोन ले रहा है क्योंकि उसे पड़ोसी और दुनिया से कम्पीट करना है। तो वो दुखी होगा और 100% होगा, क्योंकि वो अपने आप को समझने में फेल हो गया। उसका मन कहता था कि ऐसा मत कर, लेकिन वो नहीं कर पाया ऐसा, और उसने अपने आप को नहीं समझा। तो जितनी भी चीजें आपकी फेल हो रही हैं, जहां पर आपका फेलियर है, सैड है, तो आप देख लेना आप अपने आप को समझने में कहीं ना कहीं असफल हैं, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा घरेलू लाइफ में भी होगा, ठीक है। आप अगर बच्चों से बहुत दुखी हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं हो पा रहा है, ना पढ़ पा रहे हैं, जैसी अपेक्षाएं थी वैसे नहीं हो पा रहे, तो पहले बच्चों से पहले अपने अंदर फॉल्ट ढूंढिए कि व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू डिसअपॉइंटेड, इसका मतलब यू कुड नॉट अंडरस्टैंड यूर रियल सेल्फ, ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड द सेल्फ ऑफ अदर्स, पहले खुद को ही समझ नहीं पाए। तो कहता है कि एवरी एवरी फेलियर, एवरी सैडनेस कम्स विद ओनली वन पॉइंट, दैट वी फेल टू अंडरस्टैंड अवर रियल सेल्फ, और वी हैव सम इनसिक्योरिटी, दो ही कारण होते हैं, या हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, हम किसी चीज को लेकर डरते रहते हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर इन दो के अलावा तुम्हें और कोई कारण दिखता है दुख का, तो बताओ, या तो अपने दुखों को समेटो या अपने डिसअपॉइंटमेंट को, और देखो या तो तुम इनसिक्योर हो किसी चीज के लिए, या फिर तुम खुद को ही नहीं समझ पाए हो। देखो इसके अलावा तीसरा मिल रहा है कोई, बताओ। नो सर, नो सर, मिल रहा दो है ही तो चीज। बता दो, ठीक है। तो दो ही चीजें कहता है, और ऐसा अगर हो रहा है तो फिर तुम्हें जरूरत है कि एक लॉन्ग साइलेंस लो, अ लॉन्ग साइलेंस विल बी गुड। तो फिर जरूरत है एक ब्रेक लो, और उस ब्रेक में सिर्फ अपनी सोल से कनेक्ट हो, ठीक है।
अब ये नहीं कि तुमने कहा, सर ने कहा कविता में एक ब्रेक लो, तुमने सारी चिल्लपों इकट्ठे की, चलो भाई चलो हम चलेंगे ब्रेक लेने, घर के जो है घर के सारे लोग, बच्चे और बचा एक कुत्ता था उसे भी डाल लिया कार में और सब, और चले गए तुम ब्रेक लेने, वहां उन्हीं को संभालते रह गए। ऐसा नहीं चाहिए भैया, ठीक है। इट इट रियल मीन्स दैट यू नीड टू बी योर सेल्फ फॉर सम टाइम, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फिर तो एक बहाना हो जाएगा कि वी आर हैविंग ए ब्रेक और फेसबुक और उसमें डाल रहे हो तुम, खत्म कहानी। या तो तुम ऐसा टाइम निकाल लो कि उनके साथ जाओ तो भी तुम अपने लिए अलग टाइम निकाल लो, ठीक है, तब तो सही है, नहीं तो ऐसा ही होता रहेगा और कुछ नहीं। ब्रेक का मतलब पेब्लो नेरुदा का ये है, बोलो समझ में आया? यस चलो फिर इस पोयम को बिल्कुल एंड कर दें, तब इसको लिखाऊंगा सबको साथ साथ, क्योंकि तो मैं नहीं चाहता कि बचे ये पोयम आज, इसको खलास कर ही देना है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, बस इतना है। तो कहता है अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो कहता है एक चीज सीख लो, तुम इस पृथ्वी से सीखो, इस अर्थ से सीखो, ठीक है। जो पूरा ह्यूमन बीइंग है वो अर्थ से कई तरीके के लेसन सीख सकता है, ठीक है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अब सब फेल हो गए तुम्हें सिखाने पे, ठीक है, तो फिर तुम्हें शायद अर्थ सिखा सके, ठीक है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, क्यों? क्योंकि तुम जो सोच रहे हो खत्म हो चुका, सैड हो गए हो, ये हो गया हो, तुम पृथ्वी को देखो और देखो जब सारी चीजें लगता है कि सब उजड़ गई खत्म हो गई, ठीक है, ओनली वन थिंग रिमेन्स अलाइव। इस पृथ्वी में जब सब चीजें उजड़ जाती हैं खत्म हो जाती है, तब भी सिर्फ एक चीज अलाइव रहती है और वो खुद में अर्थ है, इट इज द अर्थ। बोलो है कि नहीं? पूरा पूरा तुर्की भूकंप में तबाह हो गया, जमींदोज हो गया, लेकिन अर्थ है कि नहीं? जिंदा है अर्थ, ठीक है। सालों से यहाँ डायनासोर से लेके कौन कौन आके चले गए, लेकिन अर्थ है। सारी चीजें तबाह हो जाने के बावजूद अर्थ है। और गहराई में जाओ माइक्रो एनालिसिस में, तो अर्थ के अंदर होने वाली जो प्रक्रिया है, अर्थ की फिलॉसफी को समझो कि सब सब चीजें पतझड़ में खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एक कोपल है जो फिर उगाती है बसंत में, और फिर वही चीज हो जाती है, लाइफ वहां कभी खत्म नहीं होती। बोलो सही कहा कि नहीं? तो वो सिर्फ एक इशारा देके चला जाता है कि इसलिए जब तुम सैड हो और जब तुम समझ रहे हो सब खत्म हो गया, जब तुम्हें डर अंदर समाता सा प्रतीत हो किसी भी चीज से, जब इनसिक्योर फील करने लगे, तो पृथ्वी को अपना हथियार बनाओ, इंस्पिरेशन बनाओ और सोचो पृथ्वी कभी नष्ट नहीं होती, ठीक है, हर चीज खत्म होने के बाद फिर पैदा होती है। तो वहां पर अगर कुछ ऐसा सेट का मोमेंट हो सैडनेस का, तो तुम्हारी सोल तुम्हें रियलाइज कराएगी, नहीं दैट दैट विल बी इम्प्रूव्ड एंड दैट विल बिकम अगेन अलाइव एंड ग्रीन, व्हाट इज डाइंग इनसाइड मी, जो मेरे अंदर मर रहा है वो फिर से हरा भरा हो जाएगा, वो फिर से जवान हो जाएगा और वो फिर से लाइफ के साथ आ जाएगा। एंड नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब ज्यादा उपदेश क्या दूं तुम्हें, 12 तक गिनता हूं एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो अब तो तुम समझ ही गए हो कि क्वाइट रहना कितना, सोल से कनेक्ट होना कितना जरूरी है, रेट्रोस्पेक्ट करना। तो तुम करो, मैं चलता हूं, मैं भी खुद में रेट्रोस्पेक्ट करने चलता हूँ एंड तुम भी इसमें बिजी रहो। एंड अब बहुत भाषण हो गया, नाउ आई विल गो आउट फ्रॉम देयर।